रीजनल कमिश्नर साहब, ग्रामीण के एसपी साहब और उसके अलावा पुलिस कमिश्नर साहब ने कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग ली और इसके अंदर शहर औरंगाबाद की अलग अलग तंजीमात के मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। अपील की गई कि सरकार आपसे ताउन चाहती है कि आप इस महामारी को रोकने में हमारी मदद करें। सारे जिम्मेदारान ने कहा कि इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं, हम मास्क लगाने की पाबंदी भी करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करवाएंगे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे और इस बीमारी से बचने के लिए पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी को इस मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से जड़ से ख़त्म कर दे। इस तरीके का आश्वासन हम लोगों ने इससे 2 से 3 मरतबा लाउड स्पीकर में इस बात का ऐलान करें कि लोग मास्क की पाबंदी करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और ख़ास तौर से हमारे नौजवान गली कूचों में ना रहें, ज़्यादा रात तक ना घूमें। पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई उनको समझा दीजिए, अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर आगे आने वाली रमज़ान की इबादत मुतासिर होंगी और फिर ऐसे नौजवानों के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। तो मेरी माँ बहनों से भी अपील है कि अपने बच्चों को गैर ज़रूरी रात में 9 के बाद गली कूचों में चौराहे पर बैठने ना दें, उनको पाबंद करें। वो सारे के सारे लोग अपने अपने धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर से ऐलान करेंगे कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क की ख़ास तौर पर पाबंदी करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। ईश्वर से अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करें, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे इंसानों की इस महामारी से हिफाजत करें।